पिछले वाले टेक में आपने ज्यादा तारीफ की थी। अच्छा भाई, खांसी होती है ना या कफ सी रखता शुरू में? सलाम अलैकुम। ये तैयारी ये सब आपको नज़र आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये है कि अन्या ने हमारी दावत की है बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की, और बेचारी सुबह से लगी हुई है। एंड हम लोगों को उसने कहा था बहुत फॉर्मली तैयार होके आना है आप लोगों ने, और मैं ख़ुद खाना बना रही हूँ क्योंकि उसकी सास जो हैं वो तो कराची में है और हम ना ड्यूटी पर होती है। मैंने उससे कहा था मुझे बुला लो, मैं आऊँगी, हेल्प कर दूँगी थोड़ी। तो शी सेड नहीं, ये सरप्राइज़ है कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो और देसी बना रही है क्योंकि याया को देसी खाना पसंद है ज़्यादा। तो लेट्स सी वो क्या बना रही है। ये मेकअप मैंने किया है और मैं कराची से जब पैकिंग करी तो आई रियलाइज्ड कि मैंने तो ब्रशेज रखे ही नहीं है। तो ये सब कुछ मैंने, मेरे पास थे मम्मा फिंगर टिप्स से किया। किए थे, बताया क्यों नहीं आपने? आपने पूछा ही नहीं, आपको मैं नज़र नहीं आ रही थी फिंगर टिप्स से मेकअप करती। वैसे भी इतना प्यारा लग रहा है। प्रोफेशनल। आपके पास क्या चल रहा है? हाँ शायद है जी। तो बस अभी हम निकलते हैं। अनिया आज वो जोड़ा पहन रही है जो मैं उसके लिए लाई थी उसके उम्रे की मुबारक की खुशी में। क्या कह रही हूँ? बस सही कर दे, मैं चुड़ैल लग रही हूँ। चुड़ैल? इतनी प्यारी चुड़ैल हो तो बस मैं उसे घर में ही रख लूँ। घर में ही है। जी जनाब, रेडी हैं जाने के लिए। अनिया ने अश्योरेंस के लिए तस्वीरें भी मंगवाई हैं कि खींच के भेजें, तो बस निकल रहे हैं। चलें देखते हैं, आपको दिखाते हैं मेरी बेटी ने सुघड़ पने से क्या क्या खाना बनाया है। इतनी चूसनी जैसा मुंह बना हुआ है। अली हमज़ा के लिए मैंने हार बनवाया है और अनिया के लिए डिजीज़ की एक काइंड है वो लिए हैं। वो ऊपर उसके सारे कलर्स लगे हैं। सो पर्पल इज फेवरेट कलर, पर्पल और नबीहा ईमान की तरफ से रेड और वाइट लिए हैं। हम सब की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाए। ये नबीहा ईमान आप दोनों की तरफ से हैं, उन दोनों के लिए। थैंक यू। दे दे मुझे हार। इसके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं लगाया? Here you go girls, ये हमजा भाई को डैडी पहनाएंगे, देखना ये ख़राब ना हो, मुड़े ना। और ये सन फ्लावर्स दो हैं जिनकी कमर टेढ़ी हुई है, बहुत ख्याल से रखना फूलों को। चलो बस अब निकल रहे हैं जी। हम पहुंच गए हैं, हम पार्किंग द कार। कल अनिया गाड़ी छोड़ गई थी क्योंकि आज उसे बहुत काम था। चलिए देखते हैं क्या तैयारी की है। और हम खाली पेट आ गए हैं, बहुत भूख लगी हुई है। एंड लेट्स गो। फील रेडी? मुझे हार दे दे। थक गई मेरी बेटी खाने पका पका के। अनिया ने कहा था कि खूब तैयार होके आना है। अब मैं तो इस हिसाब से कपड़े ही नहीं लाई थी, जो थे वो पहन लिए। अब वो आ रही है नीचे दरवाजा खोलने। हमारे लिए तो यार हार भी आया है। स्पेशल ट्रीटमेंट हो रही है। ये उमरा मुबारक अभी दी है तुम लोगों को। वेरी हैंडसम। माशाल्लाह जोड़ा तो दिखाओ, शक्ल तो दिखाओ। आप हाँ, इसीलिए लो। It feels like we're meeting after ages. This is from Mama. This is from. Thank you. अन्य कहाँ का है? और वो सनफ्लावर्स का है। अन्य कहाँ? ये रे ये रे। अच्छा। अरे भाई चल। ओए बोए, ऐसी खुशबू आ रही है अनिया। मेरा हार का है? आपके लिए फूल आ गए। हमजा के लिए हार बनवा के लाई हूँ मैं। सेटअप दिखाते हैं, आइए प्लीज। ओके। सिंगापुरियन राइस बनाई? नहीं बनाई सिंगापुरियन राइस भाई। हमने रूबिकॉन प्लेट सेट कर दी है। माशाल्लाह। चलो भाई, लेट द फूड अराइव। आलू बुखारे की चटनी हमजा ने बनाई है? मैंने भी अकेले।
आलू बुखारे की चटनी तुमने बनाई है? मैं आलू बुखारे लेके आया, आलू बुखारे डाल दिए, फिर मैंने उसको ग्राइंड किया, फिर मैंने उसके अंदर मसाले डाले। कौन से? सीक्रेट मसाले। नहीं सीक्रेट नहीं, अब प्रूव करो कि तुमने बनाई है ये वाली चटनी। उसमें डाले चीनी, नमक, काली मिर्च और सालन बना रहे हो क्या आलू बुखारे का? और क्या होता है? अच्छा बताओ हमजा ने क्या हेल्प की, कितनी हेल्प की? हमजा ने ये हेल्प की कि हमजा ने जब टेबल लगा दी थी तो यहाँ बैठ के खाना खाया और अपने बर्तन यहीं छोड़ के चला गया, और हमजा ने टेस्टिंग की है, टेस्टिंग करके मुझे इनपुट दिया। ये ना बताना किस चीज की टेस्टिंग की, मम्मा ने करवा ली थी। वैसे क्या क्या चल रहा है, हमें तो नहीं पता है अपने ड्रामे के एपिसोड में क्या हो रहा है, हम क्यों बताएं? हम क्यों बताएं? पहले बताएं ड्रामे में क्या होगा। नहीं ड्रामे में मैं कभी किसी को नहीं बताती, तो हम भी नहीं बताएं, तो फिर तुम लोग देखोगे ही नहीं। खाना तो हम खाएंगे अभी। पता है क्या कह रही है नबिया? कह रही है आपकी और आपकी बेटी की शादी एक ही जैसे मर्दों से हुई है। क्यों आपको नहीं लगता? छोटी सी बीमारी, स्टार साइन भी सेम है, छोटी सी बीमारी हो जाती है। डैडी और अली भाई को दोनों को प्रेशर कुकर के बगैर बनाया। माशाल्लाह। बाय बाय बाय। इधर क्या हो रहा है? ये दीदी जा रही है, मैं बता रही हूं इसको पूरा करो, तो इतना तो बनाया। क्या करेंगे? थक जाओगे। नहीं नहीं यार थक जाओगे। नहीं नहीं वो काम कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। एंजॉय आ रहा है? अंकल मेरे पास जॉइंट्स वाला भी है, मेरे पास हड्डी वाला भी है, इसका अटैचमेंट। ये कौन है, ये कौन है? बिस्किट। मैच चल रहा है, मैच हो वहीं पे आपको याया मिलेंगे। बिस्किट मेरा है, नहीं मेरे बिल भी आ गए। बिस्किट अगर आपको अच्छा करता हूँ ना, एक मिनट आपकी बोन पे ना लगे बस। अच्छा क्या कह रही है आपकी खाला से शादी होगी? बड़ी छोटी खाला से? आप क्यों इतना खुश हो रही है इस बात पे? मैंने बोले मुझे You had that innings from Shehwag to carry them forward. Finally, ji. Chef and the creation. Oh, मुझे पता था आपने को Chinese बनाया। बिरयानी मटन की है। Thank you, sir. चलिए जी, खाने के बाद आपसे मुलाकात होती है, because I can't wait to try all of this. So see you. दो ढाई सौ। ये कोक पता किसके लिए बनी? जिनको खांसी होती है ना या कफ सी रखता शुरू में। हाँ इट वॉज मेड बिकॉज ऑफ द पता पीपल हुआ सफरिंग फ्रॉम द क्या कहते हैं कफ, तो ये होता था ना वो क्या बबी बबी टाइप के लोगों को थोड़ा सा सुकून मिलता है, उस वजह से खाते थे। अब तो गले में लगती है और टेस्ट में, और उसके बाद पॉपुलर हो गए। हमजा तुम्हें खांसी हो रही है जो कॉफी होता है? मेरी बेटी अनिया ने इतना ज़बरदस्त खाना बनाया है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, हालांकि मैं माँ हूँ, माँ हो के मैं नहीं सोच सकती थी। अब अनिया बार बार कह रही है कि आप ये तारीफ़ कर रही हैं, बुराई कर रही हैं। तो जी बात ये है कि मुझे पता है कि माशाल्लाह मेरी बेटियाँ सुगढ़ हैं, सब काम अच्छा करती हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि किसका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो अनिया का ज़रा देसी खानों में इतना रुझान नहीं था, तो आज उसने देसी की भी बहुत ही कोई सुप्रीम डिशेस बना दी, निहारी, मटन बिरयानी वो भी, और जायका भी बेहद अच्छा था, निहारी भी बहुत अच्छी थी, शाही टुकड़े तो कमाल ही थे। तो इसलिए मतलब ये कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बढ़ के अच्छा था, तो ये तारीफ ही है बेटा। हया जो है वो ज़रा सफाई शफाई घर में, अपने घर में, अपने मियाँ वाले घर में सफाई सुथराई, घर का काम काज, खाने पकाने, हर तरह के खाने, देसी विलायती, वो तो सारे खाने बहुत अच्छे बनाती है। और नबीहा जो है वो ज़रा आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ उसका ध्यान है, राइटिंग, सिंगिंग और इस तरह से चीज़ों को क्रिएट करना। और ईमान जो है वो मल्टीटास्किंग करती है माशाल्लाह बहुत, वो घर में डैडी का ख़ास ख्याल रखती है,
उनकी दवाई किस वक्त होनी चाहिए वो ईमान की जिम्मेदारी है, आपने ये किया कंपनी देनी है, वो तो खैर नबिया भी करती है कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो नबिया कहेगी कि नहीं आई विल स्टे बैक विद डैडी, आप लोग जाएं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सबकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि ये मेरी बेटियाँ हैं, आई एम अ प्राउड मदर माशाल्लाह। सो जी हम होटल जा रहे हैं और मुलाकात होती है आपसे फिर। अभी तो कुछ प्रोग्रेशन नहीं लग रही बिल्कुल। हाँ मम्मा को बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, सब परफेक्ट। क्योंकि बालों में अटक जाता है ना, मैं कैसे नहीं तकता। तुम ये ले लो फिर, ये ले लो, ऐसा नहीं अली तुम पहले थोड़ा करके ले, ये ले सिर्फ यूं करके। हां हां इसके उसके साथ जा रहा है। हां चलेगा, हां यूं कर, हां ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगा तो दुख नहीं होगा ना। चलो हां चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अन्या ने कहा था कि वो 11 बजे पहुंच जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको मैसेज किया था आर यू अप, उसका घंटे बाद जवाब है। मैं बोला जब यही लोग नहीं उठे हुए तो मैं जाके क्या करूं, देख लें कितने बजे मैसेज आया। शी इज़ राइट, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट की ड्यूटी मैंने ईमान की लगाई थी। रोज़ सुबह 10:30 बजे उठना पड़ता था मुझे कि नाश्ता ऑर्डर करें, तो वो नींद ख़राब होती थी, फिर आधे घंटे में डिलीवर होता था, फिर उसके लिए उठना पड़ता था और जागते रहना पड़ता था। तो आज ईमान ने कहा था कि आप सोएं तो मैं उठ के नाश्ता ऑर्डर करूंगी। तो नाश्ता आया, अब हम जा रहे हैं, हम गर्ल्स जा रही हैं कहाँ पे, एक्सपेक्टेशन नाश्ते के लिए। तो अन्या इज़ रियली वाउचिंग फॉर इट, बहुत तारीफ़ की है। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन ही हाई कर रही थी, मैंने लाहौर वाला खाया हुआ है, निब्बी ने भी, वो बहुत अच्छा था। अब अगर सेम स्टैंडर्ड है तो फिर बहुत अच्छा है, बट लेट्स सी। हम लोग हमेशा जो है ना, हमेशा यही होता है कि मैं मम्मा को किसी चीज़ को इतना हाइप अप करती हूँ, मम्मा ऐसा आपने खाया ही नहीं होगा कभी, और उसी दिन वो बुरा होता है। होपफुली नॉट दिस टाइम। वो देखें अनिया, हम बस निकल रहे हैं एंड वी आर ऑफ टू एक्सपेक्टेशन। योर फेवरेट ईमो गर्ल। या कोई शक, what should I expect from this breakfast and pancakes? Pancakes तो अच्छे होंगे। हाँ बस मुझे pancakes ही खाने। Device connected successfully. Blueberry वाले, इनकी पता है वो वाले pancakes भी होते हैं। कौन से वाले? Full attention. Maple syrup, bacon और fried egg के साथ, savory and sweet. Doesn't tempt me. आपको वैसे तो बड़ा सेवरी एंड स्वीट, वो तो पुलाव और जर्दा मिक्स करके खाती हूँ ना मैं। और भी तो आप खाती हैं, दही बड़े। इस्लामाबाद इज सो ब्यूटीफुल, दही बड़े और पुलाव, ग्रीन नेचर, लुक एट दिस ट्री। फन, आपकी जो ब्लैक पैंट थी वो आउटफिटर्स की तो नहीं थी? आई डोंट थिंक सो। वो जो ईसा चीज है ना, उन्होंने ग्रीन से लिखा हुआ ईसा चीज, हां उसके बराबर में था वो एएम स्टोर, जहाँ पे मुझे बंदे ने बोला था अच्छा आप, आपके बड़े ड्रामे देखे हैं मैंने। अच्छा चलिए जी, पहुँच गए हैं हम एक्सपेक्टेशंस, और आपको दिखाते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा है कि नहीं। रश तो बहुत लग रहा है। आर यू रेडी गर्ल्स? व्हाट आर यू गोना हैव? देखते गाड़ी है। ईमान आप क्या लेंगे? नबीहा यू बीफ में ना, चिकन में चले, एक स्ट्रॉबेरी एंड सॉल्टेड कैरमल वाटर। हाँ दैट साउंड्स गुड। फिर बाद में चाय और कॉफी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। हाँ नाइस, वेरी नाइस। क्या है आपका ड्रिंक? ट्रॉपिकल टीजर। या इट्स अ मिक्स्ड फ्रूट ट्राई, इट्स वेरी
बुराई नहीं है लेकिन मम्मा मैंगो शेक बनाई थी हमारे लिए ये मलाई नहीं पीती। अब मैं आ गई नीचे जल्दी, अम्मा ने कहा था बस बन रहा है। मैं नीचे जल्दी आ गई, मैं देखती हूँ अम्मा जल के जल्दी जल्दी चलो उसमें मलाई डालो जल्दी शेक करो बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने देख लिया था, आपको पता होता है मैंगो शेक में रोज़ मलाई पिए बताती थी। जो ये नहीं खाती ना उसको खिला दो बताए बगैर खा लेगी। हाँ इतने शौक से पीती थी मैंगो शेक, रोज बनाए मम्मा रोज बनाए। और मलाई में क्या मलाई नहीं खाई जाती, क्रीम खा लेती हूँ। क्या क्रीम खा लेती हूँ? यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, स्पेशली हम लोग बाहर बैठे हैं तो इतने प्यारे दरख्त पौधे और इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी है। सो मौसम भी अच्छा है, मौसम ने हमें अलाउ किया है कि हम बाहर बैठ जाएं। धूप भी है और थोड़ी ठंड भी है, तो लेट्स सी अब खाना। ये स्मूदी तो बहुत मज़े की है मियाँ वाली, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल टीज़र। भाई ये तो कोई गेम शुरू हो गया है यहाँ पर। ओके यूट्यूब फैम आप किसको देंगे पासिंग? आई एम पासिंग द फोन टू समवन हु इज हु हैज अ वेरी बैड पोस्चर। मम्मा हाउ इज इट नॉट हर? She knows why. I'm passing the phone to someone who जो लाइक अपने कपड़े सीधे नहीं उतारती कभी। True. I'm passing the phone to someone who thinks she's Myra Khan but she's actually Angelina Jolie. मुझे वैसे मायरा खान एंजेलिना जॉली से ज़्यादा प्यारी लगती है, तो दैट कॉम्प्लीमेंट आई वुड हैव प्रेफर्ड मोर। यू डू मम्मा यू ऑर्डर्ड अ क्रोसेंट। ये क्या ऑर्डर किया आपने? मम्मा मजा नहीं क्या है देखे समझ नहीं आया का बर्गर नबिया ये क्या है? ये मेरा ऑर्डर है। मैंने और ईमान ने सेम ऑर्डर किया। हाउ डू यू लाइक योर फूड? आई लव इट, बहुत मज़ेदार। इसमें जो स्पिनच का टेस्ट है बहुत अच्छा है। क्या ये हेवनली क्रैब? हेवनली क्रैब और हमारा चिकन चीज़ अक्रॉस टाउन। हाउ इज़ योर फूड? ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था पिक्चर्स में देख के, मैंने डिसाइड किया था कि यही ऑर्डर करूँगी। भाई वाह चखा हूँ अनिया। नहीं पहले आप चखे टेस्ट टेस्ट करें। वो तो मैं कर ही चुकी हूँ लेकिन मैं कर चुकी हूँ आप। हाँ लेकिन ये डालना भूल गई। नाइस, ब्लूबेरी नहीं दीजिएगा मुझे। आपका वॉफल कैसा है? वेरी नाइस, बेटर देन पैनकेक। सेम ही लग रहा है बट आई लाइक इट बेटर बिकॉज आई डोंट लाइक जैम। वी हैड द फूड एंड द डिज़र्ट, पैनकेक्स, खाना, टेस्ट सब कुछ बहुत मज़े का है। सर्विस बहुत अच्छी है, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है। जैसे मैंने इनसे दो दफ़ा कहा कि मुझे चाय जो है वो पैनकेक्स के साथ चाहिए, तो वो चाय इतनी गर्म भी नहीं थी और पैनकेक्स बहुत पहले भी आ गई, और मैंने जब पैनकेक ख़त्म कर लिया तब दूसरा ऑर्डर आया है। सो ये थोड़ा सा इनको देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी एम्बियंस, खाना, टेस्ट हर चीज़ बहुत अच्छी है। मैं और मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। अनिया को कुछ लेना था यहाँ से, घरेलू खातून को, एक ड्रामा तो हम इसके साथ यहाँ आए हैं। पता नहीं कौन सी दुकान है, ईसा जी। ये तो बेटा पोछे वाली बाल्टी है। पता है मम्मा मुझे मैं देख रही हूँ। यहाँ से आपने लिया था वो ट्रॉली अपनी? यस। चलो मैं अंदर चलूँ फिर। अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़ी हैंडी चीज़ें स्टैंड ट्रैक्स और वो मिलते हैं। यहाँ से डस्टबिन ले लेते हैं, आपने अपनी अगली वाली ली है दिखाओ। एस्थेटिक्स बेटा बुरी तो नहीं लग रही, अच्छी लग रही है।
पूछो ये कितने की है। नहीं, अब और क्या करनी है, छोड़ो। क्या जालिम लड़की है ये, मुझे ऐसी जगह ले आई है। ये कोई फर्नीचर मार्केट है और मैं अब्बास मार्केट इस्लामाबाद में। मैं पागल हो गई यहाँ पे, पता है इसे अपनी माँ का। फिर भी ये मुझे ऐसी जगह लेके आई है और मैं हर दूसरी चीज़ पे टेम्प्ट हो रही हूँ। लाउंज का सोफ़ा चेंज कर लूँ, डाइनिंग बस कर दो अनिया, बच्चे गाड़ी में। तो वाह जी, मैं तैयार हूँ। क्योंकि अभी इरम जो कि मुश्किल ड्रामे की प्रोड्यूसर थी और खुशहाल, वो लोग नीचे लॉबी में आ रहे हैं। हम लोग कॉफ़ी पियेंगे साथ, तो उनसे आज मेरा मीट एंड ग्रीट है आफ्टर सो मैनी डेज़। तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। खुशहाल रास्ते में है, इरम भी रास्ते में है, तो वो लोग पहुँचने वाले हैं। तो विल सिट, हैव सम गपशप, हैव सम कॉफ़ी। और आज तो मेरी बड़े मज़े हो गए हैं। अनिया नाश्ते पे लेके गई, नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ी फर्नीचर मार्केट देखी। और बड़ा मैं टेम्प्ट हो रही थी चीज़ें लेने के लिए, मगर मैंने अपने दिमाग को ज़रा हाज़िर रखा। मैंने कहा नहीं, जो मेरे पास चीज़ें उनका क्या करूँगी। तो उनको थोड़ा सा मैं चेंज करने का तो मैं सोच ही रही थी, घर में थोड़े बहुत चेंजेस करूँ। तो आपको बताऊँगी कि क्या मेरा दिल चाह रहा है, कमरे की सेटिंग चेंज करनी है। तो लेट मी सी, क्योंकि जब तक मेरे जहन में क्लियर पिक्चर नहीं होती तब तक मैं नहीं करूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हमारा जो बेडरूम है वो बहुत मुश्किल है। उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं जिसको यूटिलाइज़ किया जा सके, क्योंकि वो दो बेडरूम्स थे जिनको एक बेडरूम में कन्वर्ट किया था। तो जो कि मैं समझती हूँ कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं टू डील विद। तो लेट्स सी, मैं अपना दिमाग लड़ाती जा रही हूँ। सोने से पहले सोचती हूँ, कभी बैठ के सोचती हूँ। तो जब मैं बिल्कुल कंफर्म हो जाऊँगी, श्योर होंगी, तो फिर मैं कुछ स्टार्ट करूँगी करना। तो अभी आई एम गोइंग, सो स्टे ट्यून्ड। ओके जी, बहुत रिफ़्रेश हो गई हूँ मैं अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से मिलके बहुत अरसे के बाद। और इतना मज़ा आया कि 3 घंटे गुजर गए और पता ही नहीं चला। हमने कॉफ़ी पी, हमने ग्लेज्ड डोनट्स खाए, और मुश्किल ड्रामा तो आपने देखा ही हुआ है और बहुत पसंद करते हैं। तो वो वक्त याद आ गया, गपशप हुई और खुशहाल का नया लुक। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग खुशहाल, वही फीलिंग्स, वही सारा कुछ दोबारा से अलाइव हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। सो दिस इज इरम। ओके, सो दिस इज इरम and this is Khushal. Achha. Khushal, so good to see you after so good long. Good to see you after. It's been ye nahi ho sakta ki main Islamabad aaun aur tumse na milu. True that. Aur is ek hi jagah pe milte hain. Ek hi jagah pe, the same coffee shop. But is baar hamare Irm ma'am join kar rahi hai. Yeah. Main jo aayi hu cast karne ek television ke liye. Singing completely like that. 2 in 1. So aap hum TV pe bhi ek television producer, I swear to God, is a crapster. She's also doing it. हाँ, मुझे भी बुलाओ ना, आप आ जाए ना, आ जाऊँ खुद बुलाओ तो आऊंगी ना। ओके, हियर वी गो, छक्का या चौका, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। कौन है, रूम सर्विस? आज रोटी लाए हो कि नहीं? जी जी लाए हैं। आज तो तुम्हें खड़ा, एक सेकंड मैं ये रख लूं। भाई आपको हमसे मिलने का कोई शौक नहीं है, रोज रात के 11:00 बजे आ रहे हो। मुझे काम था सुबह थोड़ा सा। एक मिनट ये रख लूं। छोटे ने हरी लाए हो? जी जी, वो बाहर खड़ा है बॉय। एकम को तो देख लो। देख लिया था, नाराज है भाई। रूम सर्विस से बुलवाती हूँ किसी को। इतनी सारी ले आयो? सारी ले आए ना, वो कहाँ से सुनने पर लग करता। मम्मा, इससे पानी नहीं,
अभी आया अली हमजा, उससे हमारी आज मुलाकात हुई है इस वक्त बहुत देर के बाद। आज वो बिजी था, घर पे कोई नहीं था, वो हमना के पास था, फिर वो जिम गया। हमने तो शाम में कुछ मंगा दिया था, डैडी याया को बिल्कुल नहीं पसंद देसी के अलावा कुछ, तो फिर हमने कहा अनिया ने जो निहारी बनाई थी वो ले आओ, तो वो हमज़ा भी लेके आए गरम गरम नान के साथ। इसे हम कराएंगे गरम और फिर खाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ आज भी कैसी लग रही है। ये भी ठंडी है अली हमज़ा, ये अंडे जो है ना ये मैं अब कच्चे खिलाऊंगी तुम्हें। ओ जी, दिस इज़ माई ब्यूटिफुल फैमिली। ये थी मेरी वीडियो, मेरे दो दिन इस्लामाबाद में, जिसमें हमने अनिया के यहाँ बहुत मज़ेदार डिनर खाया, उसके हाथों से बना हुआ। आज खुशहाल और इरम के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। हम गर्ल्स गए ब्रेकफास्ट डेट पे, अब हम डिनर करेंगे। निहारी अनिया के हाथ की बनी हुई हमज़ा लेके आया है, और नान। और कल मेरी वापसी है कराची, इंशाल्लाह आप से मुलाकात होगी कराची में और अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.